हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं टॉपिक जो लेकर आया हूँ वो है 12th क्लास का, जो कि चैप्टर नंबर 3 को कवर करता है। हम आज चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, और जो जिस चैप्टर को मैं छोड़ रहा हूँ उसको मैं लगातार आपके पास लेकर आऊंगा, बट आज मोस्टली चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा और उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 है, वो है मानव जनन। क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसके बारे में बात करें। बच्चों, जितनी भी टॉपिक की आज बात होगी, इस टॉपिक के बारे में बात होगी, वो किससे रिलेटेड होगा? वो मानव जनन से रिलेटेड होगा, यानी कि किसी ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस तरह से होती है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं कि मानव के अंदर जनन किन किन प्रक्रियाओं में होता है, हम उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो जब भी मानव जनन की बात होगी तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि मानव में जनन कैसे होता है? लैंगिक जनन के द्वारा। क्या होता है उसमें? लैंगिक जनन के द्वारा। लैंगिक जनन के द्वारा। अब लैंगिक जनन की क्या कंडीशन होती है? तो लैंगिक जनन की कंडीशन यह होती है कि वह जनन जिसमें दो विपरीत युग्मक आपस में निषेचित होकर संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है ना। दो विपरीत जनक, जैसे कि वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जनक अर्थात नर व मादा आपस में संलयित होकर संतान की उत्पत्ति करते हैं, उन्हें उस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहा जाता है, इस पूरे परिभाषा में हमें क्या जानने की जरूरत है? इन विच प्रोसेस व्हेनेवर टू डिफरेंट गैमेट्स आर फ्यूज टू ईच अदर एंड आफ्टर दैट गेट ऑफस्प्रिंग By this process, that process called sexual reproduction. मैं इसकी जो है इसका जो actual definition है मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, दो विपरीत जनक अर्थात नर व मादा
आपस में संलयित होकर, आपस में निषेचित होकर भी हम लिख सकते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब हम इसकी प्रोसेस के बारे में जानेंगे। ठीक है ना? चलिए, देखिए, लैंगिक जनन को इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक नर होता है और एक मादा होता है। ठीक है ना? इसके पास कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं और इसके पास भी कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है ना? नर, नर के पास क्या बनता है? नर युग्मक। ठीक है ना? और यहां पर मादा युग्मक। ठीक है ना? समझ में, समझना, यहां पर क्या है? मेल गैमेट, यहां पर फीमेल गैमेट। ठीक है ना? यहां पर मेल गैमेट, यहां पर फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म। ठीक है? और फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवम। ठीक है ना? अब देखना है, अगर आप इसको हटा भी दो तो इसके बारे में हम वैसे ही आगे बात करेंगे, स्पर्म और ओवम के बारे में। तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में निषेचित होकर, आपस में निषेचित होकर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज। यहां पर कौन सा विभाजन होता है? यहां पर माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जब होता है यहां पर, तो यहां पर क्या होता है? 46 23 और 23 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना? तो यहां से क्या मिलेगा अपन को? 23 मिल गया और यहां पर 46 है, ये भी टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ है यहां पर? अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। यहाँ के जो क्रोमोसोम है वो आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे, तो 23 इसके साथ आ जाएगा और 23 इसके साथ आ जाएगा, तो कितने टोटल 46 क्रोमोसोम हो गए। क्या हुए? समझ में आया? यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर तीसरे नई संतान अर्थात युग्मनज, इसको हम नई संतान भी बोल सकते हैं, उसका निर्माण करते हैं। अब चूंकि इनके पास 46 क्रोमोसोम है, तो दोनों में से आधे आधे आ जाएंगे। 46 में से आधा कितना? 23। 46 में से आधा कितना? 23। और 23 और 23 दोनों आपस में मिलकर 46 बन जाएंगे, जिससे किसी नए जीव में भी कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे? 46। ठीक है ना? तो आप देखो ना कि जितने सारे भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, लगभग सभी में ऑलमोस्ट कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। इन दोनों ने अपना आधा आधा क्रोमोसोम दिया, तो एक नई संतान जो इन्होंने बनाई है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम आ गए। अगर इन्होंने पूरा पूरा क्रोमोसोम दिया होता तो सोचो कि कितने हो जाते, 92, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट अ पॉसिबल इन द ह्यूमन बींग्स, आई होप ऑल द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो यहां से भी किस विभाजन के कारण? अर्धसूत्री विभाजन के कारण उनके क्रोमोसोम आधे हो गए, और क्रोमोसोम आधे हो जाने के कारण क्या हुआ? युग्मनज का निर्माण हो गया। इसको भ्रूण भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है ना? एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है ना? इसको इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं। जायगोट बोलते हैं। ठीक है? तो ये क्या था? आप इसके थ्रू भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आप डेफिनेशन बना सकते हो। When male gametes and female gametes are fused with each other, after that the zygote is formed. ये भी लिख सकते हो, तो that is a normal, okay? आप बना सकते हो कि जब वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर किसी तीसरे नई संतान का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन।
कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। हम इन सभी चीजों को तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि इस लैंगिक जनन को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरी, ओके। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। चलिए इसको मैं मिटा दूं, इसको समझने का प्रयास करना। एक बार फिर रिकॉल करते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुए, क्या बनाया, जायगोट बनाया, जायगोट बना लिया। अब जायगोट क्या होगा, जायगोट में 46 क्रोमोसोम आ गए, दिमाग लगाना, क्योंकि 46 में से आधा इसने दिया था 23, इसने भी आधा दिया था 23, और 23 और 23 मिलाकर कितना हुआ 46, मतलब दोनों ने आधे आधे क्रोमोसोम दिए हैं, ठीक है ना, 46 हो गए। ये आपका हो गया, समझ गया, आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे कि लैंगिक जनन को हम थ्री टाइप में डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो लैंगिक जनन है, इसको हम थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। पहला हो जाएगा निषेचन पूर्व घटना, पहला क्या हो जाएगा, निषेचन पूर्व घटना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है ना, ये बोलेंगे। उसके बाद बोलेंगे हम निषेचन, निषेचन को इंग्लिश में बोलते हैं, आप सभी को पता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। और एक और होता है निषेचन पश्च घटना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, और आपके क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। तो निषेचन पश्च घटना मतलब कि पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हम लैंगिक जनन को मुख्य रूप से इन पॉइंट्स के आधार पे पढ़ेंगे, इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम पढ़ना शुरू करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट फर्स्टली निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ओके। क्या होता है इसमें, क्या प्रोसेस होती है ये, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला जो हम टॉपिक उठाएंगे, निषेचन पूर्व घटना, ये क्या होता है, ध्यान रखना। निषेचन से पहले, यानी कि जब मैं मादा नर और मादा आपस में मिलते हैं, उससे पहले क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। चलिए तो मैं अभी इसको शुरू करता हूं, पहले वाले पॉइंट्स को शुरू करते समय मैं आपको, इसमें दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है युग्मक जनन, ये निषेचन पूर्व घटना इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, यानी इसको हमने दो आधार पर बांट दिया, दो पार्ट होते हैं इसके। पहला होता है युग्मक जनन और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण, ठीक है ना, दो पार्ट होता है इसका, समझे। अब चूंकि युग्मक जनन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन, युग्मक स्थानांतरण और युग्मक जनन दो अलग अलग चीजें होती हैं। यानी कि जब नर एवं मादा आपस में निषेचित होने से पहले क्या करते हैं, युग्मक जनन का निर्माण होता है, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे युग्मक जनन के बारे में, ठीक है ना। युग्मक जनन क्या होता है, इसको उठाकर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो युग्मक जनन जहां पर क्या हो, युग्मकों का निर्माण क्या होता है, युग्मकों का निर्माण, यानी कि जो मुख्य रूप से दो युग्मक हैं, कौन कौन से,
नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है ना। युग्मक जनन का मतलब कि नर युग्मक और मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं। तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे वह प्रक्रिया जिनमें युग्मकों का निर्माण होता हो उसे युग्मक जनन कहा जाता है। द प्रोसेस इन विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ओके, हम क्या बोलेंगे, युग्मक जनन किसे बोलते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण हो, अर्थात जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे युग्मक जनन। इन प्रोसेस द प्रोसेस इन विच द गैमेट्स आर फॉर्म्ड लाइक मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ओके, समझ में आ गया क्या होता है युग्मकों का युग्मक जनन, समझ में आया क्या होता है युग्मक जनन। तो इसके बारे में डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला रीडिंग क्या है अपना, युग्मक जनन गैमेटो जेनेसिस। ओके, परिभाषा लिखवा दी है, वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है युग्मक जनन कहलाता है। द प्रोसेस इन विच द गैमेट्स आर फॉर्म्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लाइक द प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। युग्मक जनन दो टाइप में होते हैं, पहला होता है शुक्राणु जनन, यहां से इंपॉर्टेंट से चालू हो जाती है, और दूसरा होता है अंडाणु जनन। अंडाणु इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको बोलते हैं यूजेनेसिस, यानी कि समझने की कोशिश करेंगे। युग्मक जनन जो होता है वो दो पार्ट में, पहला होता है शुक्राणु जनन और दूसरा होता है अंडाणु जनन, इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस। ये प्रक्रिया कहां होती है, ये प्रक्रिया कहां होती है, मेल में, कहां, पुरुषों। ये प्रक्रिया कहां होती है, मादा में। क्या बनता है इस प्रोसेस में, क्या बनता है ध्यान रखना, तो स्पर्म बनता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शुक्राणु। क्या बनता है इस प्रोसेस में, ओवम बनता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंडाणु। कहां पर निर्माण होता है शुक्राणु का, व्रण में निर्माण होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेस्टिस। कहां निर्माण होता है अंडाणु का, तो ओवरी में होता है, इसको हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। समझ में आया, इतनी चीजें आप समझ चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। युग्मक जनन को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, पहला टाइप क्या था, शुक्राणु जनन, जहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है, वह जनन जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्राणु जनन कहलाता है, वह जनन जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है अंडाणु जनन कहलाता है। द प्रोसेस इन विच स्पर्म आर फॉर्म्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। द प्रोसेस इन विच ओवम आर फॉर्म्ड, दिस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओजेनेसिस। बहुत इजी है,
कहां पर होता है? मेल में होता है, यानी पुरुषों में होता है, ठीक है ना। कहां होता है? फीमेल में होता है, यानी कि मादा में होता है। क्या? अंडाणुजनन। कहां होता है? सॉरी, क्या होता है? स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है। क्या बनता है? ओवम बनता है, अंडाणु बनता है। यह प्रक्रिया कहां होती है? यह प्रक्रिया टेस्टिस में होती है। यह प्रक्रिया कहां होती है? यह प्रक्रिया अंडाशय में होती है। आप समझिए, यहां पर मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस? इसमें कुछ और भी चीजें हैं, वो आगे आपको क्लियर हो जाएगी, बट बेसिक चीजें मैंने इसमें बता दी। कहां होता है, किस चीज का निर्माण होता है? इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। कहां पर होता है? यह क्रिया पुरुषों में होती है, यह क्रिया महिलाओं में होती है, मादा में होती है। इसमें किस चीज का निर्माण, यह क्रिया कहां होती है? यह क्रिया वृषण में होती है, पुरुषों के वृषण में होती है। यह क्रिया कहां? महिलाओं के अंडाशय में होती है। दो तीन पॉइंट और है, आगे आपको उसमें ऐड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो समझने वाली बात है। तो दो डिफरेंस भी आपको पता चल गया। ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं मैं, ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए और इस पर आप बात करना शुरू कीजिए। जितने लोगों से आप बात कर सकेंगे, जितने आप दोस्तों से बात कर सकेंगे, वो बहुत बेटर रहेगा।